बाबा नगरी देवघर का, देवघर में क्या कुछ है मौसम का मिजाज, इसके अलावा क्या कुछ है गतिविधियां, ये हम समझेंगे। बबलू, फिलहाल क्या कुछ है मौसम का मिजाज? कई जिलों में बारिश हुई है, मौसम बदला है। बबलू जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देवघर में हम मौसम का मिजाज समझेंगे। बबलू, अब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप अपने टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करें तो आपकी आवाज़ जो है हम तक मिल जाएगी। बबलू, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? कुछ तकनीकी खामियों की वजह से बबलू तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बबलू हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं और उनकी भी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देवघर की हम बात करने जा रहे थे। देवघर में मौसम का मिजाज क्या कुछ रहेगा, ये हम समझेंगे। इसके अलावा देवघर में अब सबकी निगाहें टिकेंगी, क्योंकि अब से कुछ दिनों में श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है और ये श्रावणी मेला बहुत खास होता है। श्रावणी मेला जो है विश्व प्रसिद्ध मेला है। यहाँ विश्व भर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। श्रावणी मेले की एक अलग छटा, एक अलग खूबसूरती पूरे झारखंड को गौरवान्वित करती है। और अब से महज कुछ दिन बाकी हैं और श्रावणी मेले की शुरुआत में, उससे पहले मौसम भी सुहावना हो गया है। तो इस बार कांवरियों को समुचित व्यवस्थाएं मिले, समुचित सुविधाएं मिले, इसका भी ख्याल रखा गया है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। बबलू, आवाज़ मिल रही है आपको हमारी? जी बताइए, मौसम का क्या कुछ मिजाज है, इसके अलावा आज शहर में क्या कुछ रहेगा खास? जी मैं बता दूं कि यहाँ का जो मौसम है बहुत सुहावना है और रोज जो है यहाँ बारिश हो रही है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, चाहे दोपहर हो। इसको लेके जो है यहाँ के लोगों में काफी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सभी राहत, गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो यहाँ थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन आसमान में जो है पूरा बादल छाया हुआ है। और इसको लेकर यहाँ जो है श्रावणी मेला को लेकर भी यहाँ खूब जोर शोर से काम चल रहा है, चाहे वो रूट लाइन हो, चाहे वो जहाँ लाइन लगता है उस लाइन में सभी जगह बैरिकेटेड पंडाल और भी बहुत तरह के जो है बिजली विभाग से जो है पोल का जो कार है उसे ठीक किया जा रहा है। हेल्थ विभाग अपनी जो कैंप है वो कैंप बन रहा है, वो भी बन रहा है, कैंप बनाया जा रहा है। और पूरा रूट लाइन मतलब जिधर से कांवरिया आ रहे हैं उधर भी पूरा जोर शोर से काम हो रहा है जा रही है। बबलू देखिए, अब से 10 दिनों का वक्त रह गया है श्रावणी मेले की शुरुआत में, और श्रावण माह की जो छटा और जो खूबसूरती होती है बबलू, वो देवघर जिले में देखने को मिलती है। इस बार ऐतिहासिक तैयारी है मेले को संपन्न कराने की। मेला क्षेत्र को व्यापक रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। आप लगातार कवर कर रहे हैं कि क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं कांवरियों को लेकर, और इस बार जो पूजा समिति है वो किस तरीके से तैयारी कर रही है, फिलहाल क्या कुछ नई तैयारियां की जा रही हैं, क्या इस बार विशेष इंतजाम देखने को मिलेंगे? जी मैं बता दूं कि पूरे रूट लाइन मतलब जिधर से लाइन लगता है बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए, जहां कांवरिया जो है वो 14-15 घंटा लाइन में लगकर बाबा का पूजा अर्चना करते हैं, उधर पंडाल बनाया जा रहा है, लाइन का बैरिकेटेड लगाया जा रहा है और भी जो है सभी जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं, कांवरिया को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। इस लेके जिला प्रशासन जो है हर विभाग को, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे PWD हो, चाहे बिजली विभाग हो, बहुत तरह के जितने भी विभाग हैं सभी को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो सौ समय 15 जुलाई तक पूरे मेला क्षेत्र को सौ समय पूरा करे। चलिए, तो 15 जुलाई तक तमाम तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि 15 जुलाई के बाद एक सप्ताह का वक्त बचेगा श्रावणी मेले की शुरुआत में, और जब श्रद्धालु पहुंचने लगे तो उन्हें सारी सुविधाएं जो हैं वो उन तक पहुंचने लगे, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है और उसके अनुसार जो इंतजामात की सारी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ।
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।